जी गाइस, तो मैं जा रही हूँ एरिक एडम के स्कूल. आज उनके स्कूल में स्पोर्ट डे है, तो फिर थोड़ा सा मैं मेकअप कर रही हूँ. तो सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया है. तो देखिए कैसे मैं तैयार होती हूँ. गाइस, सबसे पहले ये स्किन परफेक्टिंग एल्यूमिनेटर है, ये मैंने यूज़ किया है. ये देखिए, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी. उसके बाद ये जे डॉट की ये बेस है, इसको मैंने अप्लाई किया है, ठीक है. और साथ में ये जे डॉट का ही फेस पाउडर है, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है. अभी आपके साथ मेकअप शेयर करती हूँ कि मैं किस किस तरह से अपना मेकअप करती हूँ. जी गाइस, तो सबसे पहले आईब्रो के ऊपर मैं पेंसिल लगाऊंगी अच्छे से. इनको मैं जहाँ से आईब्रो ख़राब हैं या थोड़े से बाल वगैरह उड़े हुए हैं, वहाँ से मैं पेंसिल के सेट के साथ सेट करूँगी. ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको मैं, और ये अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी तेज़ कलर हो जाए आईब्रो का, तो आप बाद में अच्छे से ब्लेंड करके इसको साफ़ भी कर सकते हैं. और ये आई शेड मैं हाथ के साथ ही अप्लाई करती हूँ, फिंगर के साथ ही. ये देखिए, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फिंगर के साथ. ये मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, ये देखिए काजल. इसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया है, और इसके बाद जी मैं लगाऊंगी मस्कारा. ये देखिए जी, मस्कारा अभी मैं लगा रही हूँ. ये देखें, मस्कारे को हमेशा आप इसी तरीके से लगाएं. अगर आप ऊपर की तरफ लगाएंगे ना, फिर वो आपकी लैशेस जो हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं लगेंगी. और इसके बाद मैं जी गाइज, ये फिर मैं इसके बाद लगा रही हूँ ब्लश ऑन. ये देखिए, कंटूरिंग साथ में करूँगी, और अभी स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट करूँगी. कर लिए हैं मेरे बाल काफ़ी, तो कहीं जाना पड़े तो मुझे करने पड़ते हैं स्ट्रेट बाल. ये देखिए जी, एक साइड के हो गए हैं, अब दूसरी तरफ के स्टार्ट करूँगी. और ये देखिए जी, ये बाल स्ट्रेट हो चुके हैं. और यहाँ पे अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और ये मेकअप डन हो चुका है. और अभी मैं बाल बना रही हूँ. पहले मैंने बैक कॉमिंग की थी, वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि बाल किसी तरह से खुला छोड़ती हूँ. ब्लू कलर का ड्रेस है, सर्दी है, सुबह से स्वेटर भी पहननी ज़रूरी थी. जी गाइज, एरिक एडम के स्कूल में आ चुकी हूँ, और बस अभी इनकी गेम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं. तो चलिए आइए, मैं दिखाती हूँ एडम की गेम.
आए. Second goes to Eric and the third position goes to Abdul Hadi. For the arranging the car race. Eric bhai ho gaya. जी गाइस, यहाँ पे एरिक को सेकंड प्राइज मिला है. ये गेम में सेकंड आया है. मैं पहुँच नहीं पाई टाइम पे जब इसकी गेम स्टार्ट हुई थी. जी गाइस, तो इनका स्पोर्ट डे अभी ख़त्म हो चुका है और मैं आई हूँ अभी गाड़ी में. ये दूध वगैरह भी मैंने साथ ही ले लिया था. गाइस, एडम को भी प्राइज मिला है. ये देखिए, मैच मिला ना. यस, मैं चीटिंग की थी. मैं जीत गया. गाइस, तो इमरान साहब जा रहे हैं अभी एक्सरसाइज के लिए. इन्होंने एम किया है कि अपना वेट कम करेंगे. तो वैसे गाजर के हलवे खा के इनका पेट काफ़ी बाहर की तरफ आ चुका है, लेकिन इनका भी क्या कसूर. मैं गाजर का हलवा बनाती बहुत अच्छा हूँ. तो इमरान साहब, फिर आप वेट कम करेंगे. चले मेरे गाइस को अपना पेट भी चेक करवाएं. बाहर की तरफ निकाल लें पेट थोड़ा सा, जैसे पहले था. चले सही है. ठीक है इमरान, बेस्ट ऑफ लक. मुझे उम्मीद है कि आप अपने वेट पे काबू करेंगे. ओके बाय. गाइस, बेला अपनी शक्ल शीशे में देख के भोंकी जा रही है. बेला, ये आपकी अपनी शक्ल है. बेला, ये आप ही हो. आप ही हो बेबी. जी गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.